तो गाइस जॉन सीना वर्सेस सोलो सिको इनके भी बीच जो मैच होने वाला था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका। आइए देखते हैं आखिर एग्जैक्टली आखिर इस मैच का विनर कौन हुआ और क्या सच में जॉन सीना इस मैच के बाद रिटायर होने वाले। आखिर इस पर जॉन सीना ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। गाइस यहां पर जैसे ही मैच की स्टार्टिंग होती है सोलो सिको वर्सेस जॉन सीना के बीच, यहाँ पर सोलो सिको पहले ही ऑलरेडी समोन स्पाइक बनाकर खड़े रहते हैं जॉन सीना के लिए। फिर गाइस हर बार की तरह होता ही है, यहाँ पर जॉन सीना काफी पूरी तरह से पिट रहे होते हैं इनिशियली मोमेंट में यहाँ पर सोलो सिको के हाथों से। इसके बाद यहाँ पर कुछ मोमेंट जाने के बाद एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ सोलो सिको काफी पूरी तरह से पिटने लगते हैं यहाँ पर सोलो सिको के हाथों से। और गाइस इस मैच में सोलो सिको ने 10 बार का समोन स्पाइक का प्रयोग किया था यहाँ पर जॉन सीना के ऊपर, जिससे कि जॉन सीना की पूरी तरह से हालत ही खराब हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आने के बाद जॉन सीना अपना फिनिशर मूव लगा देते हैं सोलो सिको के ऊपर, पर यहाँ पर उससे बावजूद भी यहाँ पर सोलो सिको हार नहीं मानते इस मैच में। उसके बाद गाइस यहाँ पर सोलो सिको यहाँ पर समोन स्पाइक काफी पूरी तरह से बना लेते हैं, जिससे कि जॉन सीना के ऊपर लगा बैठते हैं और इस मैच का जो विनर बन जाते हैं वो बनते हैं सोलो सिको। वैसे गाइस यहाँ पर देख भी सकते हैं हर एंगल को यहाँ पर समोन स्पाइक का प्रयोग दिखाया गया है सोलो सिको का। और गाइस यहाँ पर मैच हारने के बाद जॉन सीना को काफी रेस्पेक्ट मिलता है ऑडियंस की तरफ से, जिससे कि वो यहाँ पर बेखूबी से निभाते हैं। उसके बाद यहाँ सीधा बैक स्टेज वापस चले जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैच समाप्त होने के बाद जॉन सीना ने अपने ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे ये फोटो शेयर किया था, जहाँ उन्होंने कहा था कि बल्कि कहा नहीं था गाइस, केवल यहाँ पर फोटो ही शेयर किया था, जिनका नाम है डेविड बेकहम। ये फुटबॉल के एक प्लेयर थे जो कि यहाँ पर रिटायर्ड हो चुके हैं। गाइस यहाँ पर जॉन सीना ने अभी पूरी तरह से ये रिवील नहीं किया है, पर यहाँ पर आप समझ सकते हो उन्होंने इसका टीज कर दिया है, काफी जल्द ही रिटायर हो सकते हैं जॉन सीना WWE से।